दोस्तों मेघना सिंह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। मेघना ने सितंबर 2021 से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। मेघना सिंह का जन्म 18 जून 1994 बिजनौर उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। इनके पिता का नाम विजय वीर सिंह है और इनकी माता का नाम आशा देवी है। वर्तमान में जो इनका गृह निवास यानी घर है वो है बिजनौर उत्तर प्रदेश भारत में। जाति और धर्म से मेघना सिंह एक भारतीय यानी एक इंडियन है। मेघना दाएं हाथ की बैटर यानी बल्लेबाज है और दाएं हाथ की बॉलर यानी गेंदबाज है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका बॉलर ऑलराउंडर यानी गेंदबाजी के साथ हरफन मौला की होती है और इनकी टी शर्ट नंबर यानी जर्सी नंबर है 26। मेघना की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 134। इन्होंने अपना पहला T20I मैच 21 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और ODI में इनकी कैप नंबर है 90। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 30 सितंबर 2021 को ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और मेघना डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर उत्तर प्रदेश महिला टीम और बेलोसिटी महिला IPL टीम से खेलती है। मेघना सिंह के पिता विजय वीर सिंह एक शुगर मिल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और मेघना की मां आशा देवी आंगनबाड़ी में नौकरी करती हैं और इनके दादाजी रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं। मेघना की तीन छोटी बहनें और एक भाई है। मेघना को बचपन से क्रिकेट खेलना पसंद था। मात्र 12 साल की उम्र में मेघना रोज़ सुबह 4 बजे उठकर 25 किलोमीटर दूर बिजनौर में नेहरू स्टेडियम में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करती थी। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखते हुए मेघना लगातार कड़ी मेहनत करती गई और इसके बाद इनका पहले जिला लेवल और बाद में स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ। 2008 में इन्हें अंडर 19 टीम की कैप मिली यानी इन्होंने अपना डेब्यू किया और आज मेघना भारतीय टीम का हिस्सा है। फिर 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑलराउंडर मेघना सिंह का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डेब्यू हुआ। वनडे के 3 मैचों में मेघना सिंह ने अपनी इन स्विंग गेंदबाजी और शानदार लाइन लेंथ से सबको प्रभावित किया, लेकिन इनके खाते में विकेट सिर्फ एक ही रहा और बल्लेबाजी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, जिससे 3 मैचों में सिर्फ 2 पारी में 5 बॉल खेलकर 3 रन बना पाई। और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट मैच में भारत की महिला क्रिकेट टीम की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिसमें एक है ऑलराउंडर मेघना सिंह और दूसरी है बल्लेबाज यास्तिका भाटिया। यास्तिका भाटिया की भी वीडियो अलग से बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। डेब्यू सीरीज के एक टेस्ट में 21 ओवर में मेघना ने 2 विकेट लिए और बल्लेबाजी में ज़्यादा बॉल खेलने को नहीं मिली और 2 रन पर नाबाद रही। 2022 में न्यूजीलैंड में हुए महिला विश्व कप में मेघना सिंह का सिलेक्शन हुआ और वर्ल्ड कप में 5 मैचों में 7 विकेट लिए और 16 रन बनाए। देखा जाए तो मेघना को अभी तक कम ही क्रिकेट खेलने को मिला है। हमें उम्मीद है कि मेघना आगे भविष्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।